1858 में आज ही के दिन एच ए स्मिथ ने वॉशिंग मशीन का पेटेंट कराया। 1858 में आज ही के दिन नॉर्वे ने स्वीडन से स्वतंत्रता प्राप्त की। 1858 में आज ही के दिन महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना हुई। 1890 में आज ही के दिन प्रसिद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ। 1947 में आज ही के दिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की ओर से हमला होने पर मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू कश्मीर के हिंदू राजा ने भारत के साथ जाने का फैसला लिया। 1955 में आज ही के दिन प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक डीवी पलुस्कर का निधन हुआ। 1958 में आज ही के दिन अमेरिका के पहले जेट विमान बोइंग 707 को पैन अमेरिका वर्ल्ड एयरवेज के लिए सेवा में शामिल किया गया। 1979 में आज के दिन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क चुंग ही की उनके ही पुराने मित्र और कोरियाई केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी के प्रमुख किम जाय क्यू ने दुर्घटनावश हत्या कर दी। उन्हें उनके इस अपराध के लिए मौत की सजा दी गई। 1994 में आज के दिन इसराइल और जॉर्डन ने 46 वर्ष के युद्ध के बाद शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि पर इसराइल के प्रधानमंत्री येतिक राबिन और जॉर्डन के प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम मजाली ने दस्तखत किए। इस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी मौजूद थे। 2006 में आज के दिन भारत में महिलाओं को दहेज हिंसा के मामलों और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक कानून पारित किया गया।